मैम मैम प्लीज मैम एक काम मत कीजिए मैम, ये हमारा काम है मैम प्लीज। आप इतना मत सोचिए, मैं करूँ मैम। रुशाली मैम देख लेगा हमारी नौकरी चले जाएगी मैम प्लीज। अरे अरे लेंगे नंदू, वेरी गुड, हरियाणा का ख्याल रखोगे, तुम्हारी सैलरी डबल। आना आप क्या बोल रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? सर मैं खाना बना रही हूँ। पर मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? सर आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था सर? मैंने आपसे कहा था ना कि आज का खाना मैं बनाऊंगी, आपकी आत्या की पसंद का, वही कर रही हूँ। ऐसा कहा था तुमने? नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, इसलिए प्लीज चलो हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो। कम ऑन प्लीज प्लीज, आना प्लीज। सर मैं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। क्यों? मेरा आज फास्ट है इसलिए नहीं कर सकती। तो ठीक है, मेरा भी फास्ट है आज, मैं भी नहीं खाऊंगा। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे सर? आपकी आत्या थी दूर से आई है और वो आपके साथ नाश्ता करना चाहती, वो आपका वेट कर रही। आपको उनके साथ बैठ के नाश्ता करना चाहिए ना, वरना उन्हें बुरा लग गया तो प्लीज। हाँ ये भी बात ठीक है, एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा तुमको। ठीक है तो तुम भी जल्दी आ जाओ। आप जाइए मैं आती हूँ। आप एक काम कीजिएगा, रुशाली मैम से कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर ले। आना एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? सर मैं ऑफिस जा रही हूँ। सर वो आपने जो कल मुझे प्रोजेक्ट की फाइल दी थी ना, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, वो आज पूरा करना है। नहीं, तुम मत जाओ, मैं मैनेजर को खुद फोन करके बोल दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। और आज हम तीनों घूमने जा रहे हैं, ओके? मतलब? अरे तुम, मैं और अतु, मैंने सब प्लान कर लिया, तुम ऑफिस नहीं जा रही प्लीज। नो सर मैं नहीं आ सकती। हाँ मैंने कहा ना प्लीज तुम आज मत जाओ ऑफिस, आज हम। उसे कुछ काम होगा, उसको नहीं जाना, तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? हाँ मॉम लेकिन मैं आना के बगैर कैसे जा सकता हूँ, इसलिए प्लीज। नरीन मॉम प्लीज, मैं आना के बगैर नहीं जा सकता। कौन कहाँ नहीं आना चाहता? अतु आना आना, मैं अतु। ये लड़की कौन है? कौन है तू? आहाना। कौन आहाना? तू मेरी, ये आप मजाक कर रहे हो ना? अच्छा ओके ओके, मैंने फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं कराया इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अतु ये मेरी आहाना, और आना ये मेरी फेवरेट अतु, वर्ल्ड की बेस्ट अतु, नमस्ते करो ना। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं दो मिनट कुछ काम करके आता हूँ। आई हैव टू प्लान द होल डे, प्लीज प्लीज ओके। रुशाली मतलब मैं जो सोच रही थी वो आई कैन। रुशाली प्लीज, ये सब हो क्या रहा है? जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि नरेन आहाना आहाना किए जा रहा है, मुझे लगा कि उसकी बीमारी की वजह से। यहाँ तो वाकई कोई लड़की है जिसे नरेन आहाना कहता है, कौन है ये लड़की? साई ने रुशाली माइंड वेल, मुझे सरप्राइजेस देना पसंद है, पर अगर कोई मुझे सरप्राइज देना चाहे मैं बर्दाश्त नहीं करती। साफ साफ बताओ ये सब हो क्या रहा है इस घर में, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो रुशाली, ये लड़की कौन है? मैं नरेंद्र सर की नर्स हूं। नर्स? तो फिर नरेंद्र तुम्हें आहाना क्यों कहता है? आप उनकी हालत तो जानती है ना, बस वो मुझे आहाना कह रहे हैं इसीलिए शायद उन्हें लगता है कि मैं आहाना हूं, इसीलिए शायद उनका ट्रीटमेंट स्मूथली हो रहा है। ठीक है, याद रखना नरेन इज स्पेशल, ही इज वेरी प्रेशियस टू मी, उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमसे एक भी गलती हुई ना तो तुम्हें तुरंत इस घर से निकाल दूंगी। जी
वैशाली, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये कौन कहां की लड़की? हमारा नरेन कितना घुल मिल गया है इस लड़की के साथ? तुमने ये सब कुछ होने कैसे दिया? हैव यू फॉरगॉटन? योर सन इज नरेन करमरकर। उस तक पहुंचना तो दूर, उससे मिलने तक के लिए इंसान का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए। और ये जो लड़की है, नर्स बनकर इस घर में आई है, वो देखकर लगता है किसी चौल वॉल की लड़की होगी। रिमेंबर, ऐसे लोगों से मैं नरेन को दूर रखना चाहती हूं। अब नरेन इस लड़की को आना समझता है? फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये लड़की नरेन की मदद कर रही है, नरेन का इलाज हो रहा है, उसके पैसे हम उस लड़की को दे देंगे। जब तक नरेन की बीमारी का इलाज हो रहा है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर गलती से ये लड़की खुद बीमारी बन गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। माइंड टू बैक। अब जब तक तुम मुझे नहीं खिलाओगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। खिलाओ ना। सम, मैं कैसे खिला सकती हूँ आपको? क्यों, इतने प्यार से बना सकती हो तो खिला नहीं सकती? प्लीज खिलाओ ना। आ सब, प्लीज। My wife is the best. हाँ, लगता है मेरे कपड़ों की भी तुम्हारी सब्जी बहुत पसंद है। मैं एक क्लीन करके आता हूँ। Excuse me. Keep eating. एक्चुअली ताई, नरेन नाम अपनी नर्स को अपनी वाइफ मान बैठा है। इट्स जस्ट सो क्रेजी। मैंने उसे इतना समझाया लेकिन नहीं। वैशाली, तुम समझाती बहुत हो पर समझती कुछ नहीं। नरेन को अब एक बीवी की जरूरत है, एक ऐसी बीवी जो उसे सूट करे, उसका ख्याल रखे। ऐरी गैरी लड़की को नरेन बीवी कहता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक्चुअली मैंने नरेन के लिए एक लड़की पसंद की है। अब हुआ टाइटाय फिश। अंकिता वहिनी का रोल खाता। नागपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट है मिस्टर नाडकर्णी, सुभाष नाडकर्णी। उनकी बेटी किन्नरी दिखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हमारे नरेन को सूट करेगी। लेकिन ताई, नरेन की बीमारी भी है। मैंने उन्हें नरेन की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया है और ये भी बता दिया है कि शादी के बाद नरेन के ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। एंड दे आर रेडी टू टेक द चांस। लेकिन ताई, लेकिन छोड़ो रुशाली, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, ऐसा रिश्ता दोबारा कब आएगा पता नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता पक्का होना चाहिए। विशाली, तुम नरेन को नॉर्मल देखना चाहती हो कि नहीं? ऑफ कोर्स ताई, मतलब बस, नो एक्सक्यूजेस, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। शिरीष जी, नाटकर्णीज यहां आने वाले हैं।
हम सबको मिलने और वो नरेन को भी देखना चाहते हैं। उसे ढंग से तैयार करना चाहिए। सुना नहीं तुमने? लड़की वाले नरेन को मिलने आने वाले हैं। नरेन को ठीक से तैयार करना, उसकी सारी दवाइयां इंजेक्शंस उसे समय पर दे देना। ऐन मौके पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। कर्तव्य का तुला अमिकाय मनती है। शिरीष जी, तुम्हारे बेटे की शादी तय होने वाली है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं ताई, आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। गुड। हेलो अंकिता। हाँ अंकिता, मैंने तुम्हारे टेबल पे कुछ फाइल्स रखी हैं। वो फाइल पे नरेन की सिग्नेचर्स चाहिए, तो अगर हो सके तो जितना जल्दी उससे वो सिग्नेचर्स करवा लेना, ठीक है? क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ तो मैं वो करवाना भूल गया। ओके सर, मैं करा लूंगी। क्या बात है, तुम अपसेट साउंड कर रही हो, इज एवरीथिंग ओके? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या अंकिता, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। यू नो इट राइट? या सर, मुझे कभी भी ऐसा लगा तो आपको फोन करूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू। ठीक है जी, टेक केयर। ओके परेशान हो, मैं समझ सकती हूँ, ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड है, राइट? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी शादी नरेन से इसलिए कराई गई ताकि, और अब मैं तुम्हें ये बात सुनंदा ताई से छुपाने को कह रही हूँ, राइट? देखो अंकिता, हर घर के हर रिश्ते के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सुनंदा ताई इस घर की बड़ी है, इसलिए उनकी पसंद नापसंद, उनकी हाँ ना, इस घर के लिए बहुत मायने रखती है। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, उन्हें लगता है कि मेरा कोई भी फैसला ठीक नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे और नरेन की शादी की बात हमने उनसे छुपाई। अगर उन्हें मालूम होता वो कभी नहीं मानती। हम तो उन्हें यहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब वो आ गई हैं तो फिलहाल जैसा वो कह रही हैं वैसा ही होगा अंकिता। मतलब नरेन सर की दूसरी शादी? शादी नहीं होगी, शादी की बात हो सकती है, थोड़ा आगे भी बढ़ सकती है, पर क्योंकि हम सुनंदा ताई को हर्ट नहीं कर सकते, उन्होंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है अंकिता, उनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। नरेन का ये रिश्ता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका और नरेन का रिश्ता तुम देख ही चुकी हो, वो उनका लाडला है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अपनी मनमानी करेंगी, बट कुछ दिनों की बात है, सिर्फ कुछ दिनों की, हम मैनेज कर लेंगे, यू डोंट वरी। कुछ नहीं तो नरेन का पागलपन ही हमारी मदद करेगा, यू नो। लेकिन आता तो कह रही थी कि उन सबको पता है कि नरेन सर की क्या हालत है, अब उसमें एक बात सुनना, उसे जानना और उसे देखना, ये सब अलग अलग बातें होती हैं। जब वो लोग पर्सनली नरेन को देखेंगे, आई एम श्योर दे विल ओनली बैक आउट। ये रिश्ता मना हो जाएगा अंकिता, कुछ दिनों में सुनंदा ताई चली जाएंगी, बस हमें तब तक के लिए मैनेज करना है प्लीज। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अंकिता अंकिता देखो, ताई चले जाएंगी, फिर हम उन्हें फोन पर सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन जब तक वो यहाँ हैं हमें उनके हिसाब से चलना होगा अंकिता। तुम्हें तो पता ही रहा था जी आपको है। अरे आइए आइए, वेलकम जी वेलकम। आप ही कहीं जाता। हेलो मिस्टर चड्डा, ये मेरी वाइफ। आज ही समझ गया भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। एक बात बोलूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, यू आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। मिस्टर अर्जुन भाई, आप सच में बहुत लकी हो,
घर हो या ऑफिस, हमेशा खूबसूरत हसीनाओं से घिरे रहते हैं। हाय मिसेस ओवी, आप एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, बहुत ही करीबी रिश्ता है हमारा। एग्जैक्टली, आफ्टर ऑल अर्जुन मेरा हस्बैंड है। इसके लाइफ में कौन कौन है जानकारी तो रखना जरूरी है ना। आई लाइक इट। अब खैर, अब काम क्या हो जाए सब, मैंने आपके लिए बंगला बुक कर दिया, आप लोग यहाँ पे आराम करें। सर ये बंगला, लेकिन हम तो आपके फार्म हाउस पे चलने वाले थे। हाँ वो, पर क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से काफी भीड़ है, अब आप वहाँ पे कंफर्ट लेवल पर रह नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप यहाँ पर रहिए ना आराम से। बहुत बढ़िया, बड़ा हॉल है, दो बेडरूम है अपना, है एक में आप और भाभी जी और एक में कनाडा वाली पूर्वी जी। देखिए बेटर यही होगा कि आप हमारे लिए कोई होटल वगैरह बुक करा दे। सर होटल ऑलरेडी फुल है, दिसंबर का महीना है, सीजन चल रहा है सर। अब फिर ये अपने फार्म हाउस के बिल्कुल पास में, आना जाना दो मिनट में हो जाएगा। देखिए आप मिस पूर्वी से पूछ लीजिए, बिकॉज एक ही बंगले में हम तीनों रहेंगे तो इन्हें कहीं अनकंफर्टेबल ना हो। मैंने मैडम से पहले ही बात कर ली थी, तभी तो मैंने बुक किया। आप परेशान मत हो, आप रुकिए यहाँ पे। अरे रघु, अरे गाड़ी में से सांप का सामान निकाल के अंदर रखो तो, और आप लोग फ्रेश हो जाइए, शाम को पार्टी में मिलते हैं। ठीक है जी, मिलता हूँ। अच्छा ठीक है जी, भाभी जी नमस्ते। पूर्वी मुझे अभी भी आदमी ठीक नहीं लग रहा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस बात की जिद है? जब ये काम हम मुंबई में कर सकते थे तो फिर ऑफ कोर्स कर सकते थे अर्जुन, लेकिन वहां मुंबई में वो नहीं होता ना। वो कौन? ऋषभ कपूर। ऋषभ कपूर यहाँ पे आ रहा है? यस, ऋषभ कपूर, अ मैन विद अ विजन, अ मैन विद सक्सेस, जिसके नाम के बिना इंडिया का बिजनेस अधूरा है, वो ऋषभ कपूर यहाँ आ रहा है। और तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, डील तो मुंबई में भी हो सकती थी, लेकिन ऋषभ कपूर का इस डील में होना, उसकी बात ही कुछ और होगी, राइट? और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन, अगर ऋषभ कपूर को ये डील पसंद आ जाती है तो करोड़ों की बात अरबों में पहुंच जाएगी, और इसीलिए हमें यहां आना पड़ा। पूर्वी वो सब ठीक है, लेकिन ये मिस्टर चट्टा इज नॉट। अर्जुन डोंट वरी, पिछले 20 साल से मैं अकेली रही हूं, आई नो हाउ टू हैंडल सच पीपल। ओके, आना। अरे ये तो ड्राइक्लीन होके आए हैं, इन्हें क्यों निकाल दिया? सब ये पहनने के लिए निकाले। ओ, तुम पहनने वाली हो इसे? नाइस, अच्छी लगेगी। सब मैं क्यों पहनूंगी इसे? तो फिर साहब के लिए आपको पहनना है। ब्लैक सूट, आज कुछ स्पेशल है? हम कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे, हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे। आपकी आत्या के कुछ मेहमान है। आतू के गेस्ट आ रहे हैं? फिर तो ठीक है, अच्छे से ड्रेस होना चाहिए, ये तो बहुत डांट पिटती है। तुम भी ऐसा करो, मैचिंग ब्लैक साड़ी। आओ मैं निकालता हूँ। सर मेरा चेंज बाद में देखते हैं ना, आप पहले चेंज कर लीजिए और नीचे जाइए, आपका सब इंतजार कर रहा है ना। हाँ मैं नहाया भी नहीं हुआ। गुड आइडिया, मैं नहा के आता हूँ।